अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे बच्चों आज इस लेसन का जिसका नाम है फैचिंग द डॉक्टर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास सेवन्थ इसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरा फिफ्थ पेज नंबर थर्टी सेवन आउट ऑफ द डार्कनेस जॉन मार्टेंड डॉग कार्लो बार्कर हाफ ए माइल old marsh's dog greeted us two miles out on the prairie the ground was firm firmer but there were great pools of water one kit fell to her knees but i shouted go on kit and on she went out of the darkness is Raat Ratme. जॉन मार्टिन डॉग कार्लो बारकड़ जॉन मार्टिन एक शख्स रह रहा था वहां पे उसके कुत्ते ने बोकना शुरू किया हाफ ए माइल आधे किलोमीटर से आधे किलोमीटर की दूरी से ओल्ड मार्श माइल्स एंड फ्राम टू माइल डिस्टेंस ओल्ड मार्श डाक उसने भी हमारा स्वागत किया कैसे स्वागत किया बौंकने से आउट ऑन द पिरारी द्राउंड वाज फिर बट देर व्रेट पूल्स ऑफ वाटर आउट ऑफ द पिरारी पिरारी मीनस ए ग्राउंड जिसपे खाली सब्जेदार हो वो प्लांट आर प्लांटेड जहां पे कुछ भी पेड़ नहीं होंगे बिल्कुल खुला मैदान होगा उसको पिरारी कहते हैं बट देर वायर ग्रेट पूल्स ऑफ वाटर और पानी जमा हुआ था इसमें इसपे पुल्स बने थे क्योंकि बारिश हो रही थी वनस किट फेल ऑन हर नीज जैसे ही इसका इसकी गोड़ी किट अपनी नीज पे पड़ गई यानी इस पूल में बट आई शाउटड मैंने उस पर चिल्लाया गोन किट एंड ऑन शीवेंट और उसने फिर से चलना शुरू किया द फोर्थ माइल वाज मड़ इससे आगे क्या था कीचड़ थी बट द फिफ्थ ब्रॉटस टू द फ्रम विलेज रोड एंड द मेयर वाज ग्लैड एज आई और इस फोर्थ माइल में खाली कीचड़ थी उसके बाद जो फिफ्थ माइल था दैट वाज फिर विलेज रोड वो बिल्कुल इस गांव की तरफ एक रोड जा रहा था पक्का रोड जा रहा था और उससे क्या हुआ एंड द मेयर वाज ग्लैड और मेयर मेरी गोड़ी ये भी खुश हो गई और मैं भी खुश हुआ जैसे मैं खुश हुआ वो भी खुश हुई हर ब्रेथ वाज कमिंग पैनफुली नाव अब इसकी सांस बिल्कुल पैनफुली यानी तकलीफ़ ये छोड़ रही थी जैसे आप ज़्यादा दौड़ते हो तो फिर दौड़ते दौड़ते एक स्टेज यह आता है कि आपकी सांस आपको लगता है जैसे आपका दिल ही आपके मुंह में आ रहा है ऐसी फीलिंग इसकी भी थी बट द मेमोरी ऑफ माई मदर्स वॉरिड फेस एंड साउंड ऑफ फादर्स क्राई हार्ट बट द मेमोरी ऑफ माई मदर्स वॉरीड फेस और वो यादाश वो जहन में मुझे अपनी माँ का वो खूब ज़्यादा चेहरा था वो घबराई हुई थी एंड साउंड ऑफ फादर्स क्राई और मेरा बाप जो कराह रहा था दर्द से वो भी मेरे जहन में गूंज रहा था एंड आई यूज द विप टू कीप हर टू हर हाइस्ट स्पीड और मैंने विप विप मीनज चाबुक जो घोड़े को मारते हैं तो वो मेरे हाथ में था और मैं इसको मारता रहा अपनी घोड़ी को ताकि वो ज्यादा हाइस्ट स्पीड गेन करे एट लास्ट ए भीम ऑफ लाइट विलेज सून आई वाज एट द डॉक्टर्स डोर पुलिंग शार्पली ऑन द डॉक्टर्स बेल एट लास्ट बिलाखिर क्या हुआ एम ऑफ लाइट एक उम्मीद की किरण नजर आई जो ही हमें गाँव दिखा सोन आई वाज एट द डॉक्टर्स डोर और जल्दी ही मैं अब डॉक्टर के दरवाजे पे खड़ा हुआ पुलिंग शार्पली और बहुत ही क्या यूं कहिए कि तेजी से मैंने डॉक्टर के दरवाजे की बेल बजा दी वट इज इट माई बॉय Asked द बिग फर हियर्ड मैन इन हिज नाइट ग्राउंड वट इज इट माई बॉय डॉ ने पूछा क्या बात है मेरे बच्चे आस्कर द बिग फियर मैन इन हिज नाइट ग्राउंड बिग फियर्ड एक मोटा सा और जिसके सिर पर बिल्कुल गंगर वाले बाल थे इन नाइच ग्राउंड जिसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी ही लुकड आउट है स्टैंडिंग इन द ब्लैक नाइट ऑफ रैन उसने मेरी तरफ देखा कहा स्टैंडिंग इन द ब्लैक नाइट ऑफ रैन जो खड़ा था उस काली रात में जिसमें बारिश हो रही थी योर फादर इज इन ग्रेट पैन इज ही और उसने मुझे वहीं से बता दिया मेरे बच्चे आपके बाप को बहुत दर्द हो रहा है उसको बहुत पैन है क्या यही है ना यस yes, सर मैंने जवाब दिया यस सर आई कुड हियर हिम क्राई आउट प्लीज हॉरी मैं उसको सुन रहा था चीखते हुए करारते हुए प्लीज जल्दी करो ही थाट ए मोमेंट ही इज ए सोल्जर ही वुड नॉट कंप्लेन ऑफ ए लिटल थिंग आई विल कम उसने थोड़ा सोचा और फिर बता दिया कि ही इज ए सोल्जर वो एक सिपाही है वो मामूली पेन मामूली दर्द की वजह से नहीं चीखेगा कोई बड़ा मामला होगा मैं आ जाऊंगा आई विल कम विथ ए ब्रेथ ऑफ़ रिलीफ आई टर्नड टू माई हॉर्स क्लांबड इन टू द सैडल एंड रोड होम एट ए स्लो स्पीड विथ ए ब्रेथ ऑफ रिलीफ अब जब इसने ये कह दिया कि मैं आ जाऊँगा उसको देखने के लिए तो मैंने एक राहत की सांस ली रिलीफ मीनस राहत ऑफ लीफ राहत की सांस ली आई टर्न टू माई हॉर्स और मैं अपने घोड़े की तरह मुड़ा क्लाइंबड इन टू द सैडल और जीन पे चढ़ा एंड रोड होम एट स्लो स्पीड और मैंने इसको आस्ते आस्ते घर की तरफ चलना शुरू किया आई टर्नड ऑफ अंटिल आई कुड सी द लाइट ऑफ डॉक्टर्स कैरेज फॉलोइंग मी ऑन द रोड मैंने तब तक नजरें मारता रहा जब तक मुझे इसके की इसके गाड़ी की लाइट नहीं दिखी तब तक मैं पीछे मुड़ता रहा द डॉक्टर वॉज सिटिंग फिर इन हिज लाइट स्वाइंग कैरेज आयरन हैंडेड मास्टरफुल गाइडिंग हिज फास्ट पावरफुल हॉर्सेज विथ केस अब यहाँ पे और एक बात क्लियर हो गई इस डॉक्टर के पास गाड़ी नहीं थी इसको जैसे बैलगाड़ी होती है ऐसे जैसे बुल काट बैलगाड़ी होती है ऐसे हॉर्स कार्ट भी होती है यानी इसको दो जैसे टांगा होता है मगर वो एक टांगे से बेहतर होता है उसमें दो घोड़े खींचने को लगे होते हैं आगे से ये क्या बोलता है द डॉक्टर वा सिटिंग फ्रेमली ये डॉक्टर बिल्कुल मजबूती से अपनी इस गाड़ी पे बैठा था स्वाइंगेज आयरन हैंडेड स्वाइंगेज मीनस मूविंग बैक एंड फोर्थ जो आगे पीछे मूव करते हो आयरन हैंडेड जैसे इसके लोहे के दस्ताने हो मास्टरफुल गाइडिंग हिज फास्ट पावरफुल हॉर्सेस विथ केस मास्टरफुल फुल मीनस कि ये बिल्कुल इसमें महारत थी ये एक्सपर्ट था ये चलाने में पावरफुल हार्स विथ केस और विथ ईज ये इन ताकतवर घोड़ों को आसानी से काबू कर रहा था दीज हार्सिस आर फेमस फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वाइल्ड स्पीड दे नेवर वॉकड एंड हैड नो फियर आ बैड वेदर सेज ये जो घोड़े इसको चला रहे थे वायर फेमस ये मशहूर थे फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वाइल्ड स्पीड अपनी मजबूती और क्या बेकाबू रफ्तार की वजह से दे नेवर वाकड एंड हैड नो फियर ऑफ बैड वेदर ये कभी भी ऐसे बाहर नहीं चले हैं इसके बगैर और इनको बुरे मौसम का कोई खौफ नहीं था एज ही फ्लैश पास्ट द डॉक्टर कॉल्ड आउट विथ क्वाइट चीर जो ही ये आगे बढ़ता गया ये जिंदा दिली से कहने लगा जो ही हम नजदीक पहुंचे तो इसने जिंदा दिली से चीर मीन जिंदा दिली जिंदा दिली से हंसते हुए चेहरे से मुखड़े से कहा कि टेक योर टाइम बॉय टेक योर टाइम अपना वक्त ले लो अपना वक्त ले लो किसके लिए वक्त लेना था इसको यानी सांस ले लो आप बिल्कुल रह रहो <coughs> कोई बात नहीं है माई वॉरी लेफ्ट विथ हिम आई हैड डन हॉल आई खुड आई हैड कॉल द डॉक्टर मेरी